सर यस, आपसे मैं निर्मल देव मिलना चाहते हैं। कौन निर्मल देव? उसे फौरन अंदर भेज दो। यस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आई एम वेरी सॉरी, बगैर अपॉइंटमेंट क्या? दो लोग हैं जिन्हें कभी अपॉइंटमेंट लेनी नहीं पड़ती, तो बगैर इजाजत लिए ही जहां चाहते हैं वहां चले जाते हैं। एक तो पुलिस और दूसरे क्रिमिनल्स। सर, आपको मुझे क्रिमिनल कहने का पूरा हक है, क्योंकि मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज है। बेशक पुलिस मुझे ढूंढ रही है, इसलिए मैंने बेहतर समझा कि पुलिस का काम आसान कर दो, लिहाजा हाजिर हूं। हुक्म कीजिए। या तो तुम बेकसूर हो या बहुत स्मार्ट हो। जानते हो तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट क्यों लिखवाई गई है? अंदाजा लगा सकता हूँ सर। जहां तक मैं समझता हूँ, सिंघानीज ने कहा होगा कि मैं उनके कुछ रुपए लेकर गुम हो गया। कुछ? तुम इतनी बड़ी रकम को कुछ कहते हो? यह रकम तो कुछ नहीं है सर, मुझे विश्वास है कि उनको कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं आपकी प्रोटेक्शन में उनके पास जाना चाहता हूँ और उनकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। शायद ये पहला केस है जहाँ मुलजिम खुद पुलिस से प्रोटेक्शन चाहता है। सर, मैं मुजरिम हूँ या नहीं ये मेरी सफाई सुनने के बाद आप खुद ही फैसला कीजिए। ठीक है, तुम्हें एक मौका दिया जाता है कि तुम अपने आप को बेकसूर साबित करो, लेकिन याद रहे अगर जुर्म साबित हुआ तो तुम्हें जेल तक भी पहुंचाया जा सकता है। मुझे मंजूर है सर। आदमी साहब, 3 करोड़ का हवाला हमने स्विट्जरलैंड भिजवा दिया है और दुबई से जहाज भी रवाना हो चुका है माल लेकर, लेकिन हमने माल उतरने की जगह बदल दी क्योंकि हमारे दुश्मन को पहले से ही इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी, और जब दुश्मन कोई चाल चलता है तो उसको मात देने के लिए हम अगली चाल पहले ही सोच कर रखते हैं। फिलहाल तो हम शतरंज की बाजी खेल रहे हैं। जी हाँ, और कोई प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट करिएगा। खुदा हाफिज। बोलो। भाई कमाल हो गया, वो निर्मल देव जो सिंघानीज को 50 लाख की चपत लगाकर भाग गया था, उसके नाम कोई खत आया है? उसके नाम आया है या उसने भेजा है? नहीं नहीं, उसके नाम, वो भी हमारे होटल के पते पर। लगता है कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि पूरी सिंघानी फैमिली की कॉन्फ्रेंस चल रही है इस वक्त बंद कमरे में। देखो गोपाल बाबू, हमें डॉक्यूमेंट्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, हम उस निर्मल देव से जरूर मिलना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर। हो सकता है उसके तरकश में अब भी कई तीर बाकी हों, इसके पहले कि वो कोई और तीर चलाए, हम उसका तरकश छीन लेना चाहते हैं। जी साहब, हम तरकश तो क्या पूरा कमान ही तोड़ दें, मगर वो मिले तो सही। हो सकता है उस डॉक्यूमेंट्स की वजह से वो वहां जरूर आए, और जब आए तो उसे हमारे पास ले आओ, चाहे जबरदस्ती ही क्यों ना उठा लाना पड़े। जीवा खान, हम जो जबरदस्ती करते हैं वैसी नहीं होती जैसी तुम करते हो। साफ बात करो गोपाल बाबू। लड़की उठा ली गई और लड़की वापस भी आ गई। तुम्हें शायद पता नहीं, सिंघानी इस अंकिता को वापस ले आए। मालूम है, ये मामूली काम हमने अंकिता के भाई जतिन का जोश ठंडा करने के लिए किया था। बहरहाल, तुम उस निर्मल देव का पता करो। ओके। क्या करें इस ड्राफ्ट का? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, हम आ सकते हैं? आई जी साहब, आइए आइए। निर्मल देव को देखकर आप लोगों को हैरानी हुई ना?
बैठो बैठो। लेकिन इससे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि ये अपनी मर्जी से यहाँ आया है। क्या भी तो ये अपनी मर्जी से था। I'm extremely sorry कि मैं आपको बताकर नहीं जा सका, लेकिन विश्वास हो तो आदमी इंतजार भी करता, पुलिस के पास नहीं जाता। संजीत बाबू, आपने बहुत जल्दबाजी की, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाकर आपने तो मेरा रिकॉर्ड ही खराब कर दिया। तुम एक फोन तो कर सकते थे। हाँ, फोन तो कर सकता था, लेकिन उस फोन का आप पर कोई असर नहीं। आपने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई, इसलिए मुझे इंतजार करना पड़ा कि जब तक मुझे रिजल्ट ना मिल जाए मैं आपसे नहीं मिलूंगा। तो मेरा ये लेटर आपको मिल गया ना, लेकिन आपको मेरा लेटर खोलना नहीं चाहिए था, उसूलन ठीक नहीं है। तुम क्या हमें असूल सिखाने आए हो? आप लोग 50 लाख की तो कोई बात कर ही नहीं रहा, जो ये लेकर भाग गया। 50 लाख की बात इसलिए नहीं हो रही है कमिश्नर साहब, क्योंकि 50 लाख अब 1.5 करोड़ बन चुका है। टू बी एग्जैक्ट, 1,65,50,535 रुपए 10 पैसे यही अमाउंट है ना इस ड्राफ्ट पर। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि ये फिगर है? तुमने तो अभी तक ड्राफ्ट भी देखा नहीं। मुझे देखने की जरूरत नहीं है मैडम, मेरा जो ये कंप्यूटर है ना, ये सब कैलकुलेट कर लेता। पीपीपी यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्रोवाइडर्स एक कंपनी का नाम, कुवैत की कंपनी जापानियों के साथ मिलकर पब्लिक इशू निकालने वाली। क्योंकि ये बात मुझे पहले पता चल गई, मैंने 50 लाख के शेयर्स खरीद लिए। कोलैबोरेशन के बाद 22 दिन के अंदर 50 लाख की इतनी बड़ी रकम हो गई, ये तो कुछ भी नहीं। मेरा इरादा है कि सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया जाए और जापानियों के साथ। इनाफ इज इनाफ। हम अपने प्रोजेक्ट को प्राइवेट लिमिटेड बनाए तो पब्लिक लिमिटेड, ये हमारी मर्जी, तुम्हारी राय किसने मांगी? हाँ, लेकिन इलाजी आप इन्हें। तुम चुप रहो, बैठ जाओ। मिस्टर निर्मल देव, तुमने जिस ड्रामेटिक अंदाज से बैंक से पैसे निकाले, फिर ड्राफ्ट बनाकर मेरे पास भेजे और फिर आईजी साहब को लेके यहाँ आए, उससे तुम्हारा केस और कमजोर हो गया है, मजबूत नहीं। हमें तुम्हारे पैसे की कोई जरूरत नहीं, बस हमें हमारे 50 लाख वापस दे दो, बाकी के पैसे तुम ही रख लो। हम तुम्हारे साथ कोई बिजनेस डीलिंग नहीं करना चाहते। यू गेट दैट? ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। बहुत बहुत शुक्रिया आईजी साहब, इजाजत चाहूंगा। आईजी साहब, इसके खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते? देखिए, आप चाहे तो मैं इसे हवालात में बंद कर सकता हूँ, यकीन मानिए कोई फायदा नहीं होगा। जो आदमी रुपया भिजवा सकता है, यहाँ आने की जरूरत कर सकता है, तो उसने अपनी पोजीशन आईने की तरह क्लियर रखी होगी। इलाजी, उसे जेल में बंद करके क्या फायदा, जमानत तो हो ही जाएगी। संजीत, इसे हमें अपने तरीके से डील करना होगा। तुम इसकी तहकीकात करो। जी मां। इंस्पेक्टर, क्या मैं SHO मिस्टर वागले से मिल सकता हूँ? क्या काम है? जो काम मिस्टर वागले से है वो मैं आपको क्यों बताऊं? तेरे को बैठने को मैं बोला क्या? बोल, बोला क्या? चल खड़ा हो जा, एकदम खड़ा हो जा, नहीं तो अभी लिटा दूंगा। तेरे को नाम मांगता है ना, मैं हूं बागले, बोल क्या करेगा, क्या काम है तेरा? मेरा नाम निर्मल देव है। अगर तेरा नाम औरंगजेब भी है तो क्या मैं खड़े होकर तेरे को सलाम करेगा? तू कौन है बे?
क्या काम है तेरा, क्या चाहता है? बोल। लगता है शायद मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। खैर, आपके हवालात में एक कैदी है जिसका नाम है भुवनेश, मैं उसे मिलना चाहता हूं। वो खूनी, वो कातिल जिसने अपने भाई का मर्डर कर दिया है। आप एक इंस्पेक्टर हैं, अदालत से पहले फैसला सुनाने का आपको कोई हक नहीं। इस एक स्टेटमेंट पर आपकी नौकरी खतरे में आ सकती है। तेरी तो मैं भुवनेश का वकील हूं, ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं। ये चीफ जस्टिस कृष्णमूर्ति का ऑर्डर कि मैं भुवनेश को हवालात में मिल सकता हूं। हवालात में मिलने का समय 4 बजे से 6 बजे तक के बीच का है, ये मैं जानता हूं। अब 5 बजे, क्या मैं वापस चला जाऊं मिस्टर वागले? अरे साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? आप तशरीफ रखिए, आराम से बैठिए। आपको चाय ठंडा कुछ चाहिए? सब बात दरअसल क्या है कि आपको जो बात पहले करनी चाहिए वो आप बाद में करते हैं, और जो बाद में करनी चाहिए वो आप पहले करते हैं। आपको मुझे भुवनेश से मिलना है ना? मेरा मतलब है मुंजिम भुवनेश से। सब मुझे क्या अंतराज रखता है, आप शौक से मिलिए। और फिर आपके पास तो न्यायमूर्ति, मेरा मतलब है कि चीफ जस्टिस कृष्णमूर्ति का ऑर्डर भी है। अरे सूरबंशी, यस सर। देखो साहब को मिस्टर भुवनेश के पास ले जाओ। ये खूनी के नहीं, मेरा मतलब मुंजिम खूनी के वकील है, इनको आराम से मिलने दो। जाइए सर, जाइए प्लीज, आराम से मिलिए। देख के तसल्ली हुई, तुम यहाँ पहुंचे कैसे? मुझे हैरत है कि आप यहाँ कैसे पहुंचे। आपको क्या जरूरत थी उस नामुराद ठाकुर से मिलने की? आपने अपने साथ मेरा भी पीड़ा कर कर दिया होगा। जो हुआ सो हुआ ना माँ, तुम ये बताओ कि तुम मेरी मदद कर सकते हो या नहीं? मैं इस काल कोठरी से तंग आ चुका हूँ। काल कोठरी सरकारी जेल है, शाही महल नहीं। कुछ दिन तो आपको यहाँ रहना ही होगा। कुछ दिन? मुझे पूरे 28 दिन हो गए इस गलाजत में सड़ते हुए। दरअसल हुआ यूं कि कुल्हाड़ी पांव पर नहीं लगी, आपने अपना पांव जाकर कुल्हाड़ी पर दे मारा है। आपका रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है पुलिस के पास, पर कानून की रफ्तार बहुत धीमी गति से चलती है। चाहे मुल्जिम प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, मैं ये सब नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि तुम मेरी मदद कर सकते हो या नहीं, या कह रहा मेरी सारी जिंदगी अब यही कटेगी। मैं आपको यहां से निकालने की तरकीब लेकर आ रहा हूं। किस तरह? बैठाओ। यहां जो भी है उसे झगड़ा मोड़ लो, अपने और उसके कपड़े फाड़ो, गाली दो उसे। शाही महल में रहने वाला ऐसी जिंदगी में रहेगा तो उसका दिमाग खराब होगा। ऐसा करो कि आपके नाक से पानी और मुंह से झाग निकले। आप समझ रहे हो मेरी बात? यानी मैं बीमार पड़ जाऊं? बिल्कुल। जब तक आप बीमार नहीं पड़ेंगे तब तक आप अस्पताल में नहीं पहुंचेंगे, और मैं आपको आजादी में नहीं दिला सकता। सब टाइम हो गया। बेस्ट ऑफ लक। Thank you, Inspector. इस जेल से तो बेहतर ही होगा। माँ जी, सबने खाना खा लिया है, आप भी खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। माँ जी, आपने कल रात भी कुछ नहीं खाया। मेरी भूख, मेरी प्यास, मेरी नींद,
मेरा सब कुछ वो औरत छीन कर ली गई है। इला सिंघानी जब भी मेरे सामने आती है मुझे नीचा दिखाकर चली जाती। माँ जी, किस्मत हर इंसान को छोटा बड़ा बनने का मौका देती है। आज वक्त उनका अच्छा चल रहा है, मेरा यकीन मानिए कल हमारा होगा। वक्त आता नहीं है गांधी, वक्त को लाना पड़ता है। जी नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अंकिता चली गई, कांति जो वारिस हमें दे रही थी वो भी चला गया, और सिलिकॉन वैली भी। जतिन, क्या तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि सिलिकॉन वैली पूरी की पूरी हमारी हो जाए और उसमें इला सिंघानी का जरा भी दखल ना हो? वही कोशिश तो कर रहा हूं। सिलिकॉन वैली में अब मशीनें लगने भी शुरू हो गई तो बॉलर्स, जनरेटर्स, फर्नेसेस, वो सब मशीनें जो आग, बिजली और पानी को कैद करके रखती हैं, वो सारी मशीनें फैक्ट्री में लगेंगी जरूर, पर सब के सब फॉल्टी होंगे। हाँ माँ, मशीनें चलेंगी जरूर पर एक्सीडेंट्स होंगे, हो सकता है एक दिन में तीन तीन चार चार एक्सीडेंट्स हो। जतिन, ये क्या कह रहे हो तुम? इसमें हमारा नुकसान है, और फैक्ट्री में जो मशीन सप्लाई कर रहा है वो गांधी का भाई है ना, इसका मतलब सारा इल्जाम हम पर आएगा। नहीं जतिन, नहीं, नहीं हमारा कोई नुकसान नहीं है ना हमारे ऊपर कोई इल्जाम लगेगा। मैंने अपने हिस्से के 5% का शेयर गोपाल को दिया था, उसी शेयर के वैल्यू से मशीनें गोपाल खरीदेगा, अगर इल्जाम लगेगा तो गोपाल पे लगेगा। पर वैसे भी गोपाल हमारा आदमी नहीं है, उनका आदमी है। That's great. Indeed, very, very great. 10-20 लोग मरेंगे, सिंघानी इसको अदालतों के चक्कर पे चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब जाके मेरी कोख में लगी हुई आग को ठंडक पहुंचेगी। कांति, जतिन, ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? तुम्हारे बाबूजी को पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा बताइए आप, कैसे पता चलेगा? क्या मैं बताऊंगा, कांति बताएगी या आप बताएंगे? देखिए मां, अगर इस बार आपने हमारा साथ नहीं दिया तो आइंदा आपको कोई बात नहीं बताई जाएगी। मैं सिंघानी को बर्बाद देखना चाहता हूँ, क्या आप नहीं देखना चाहते? हाँ जतिन, हाँ मैं भी देखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए। मैं इला सिंघानी का विनाश देखना चाहती हूँ, मगर ये एक्सीडेंट, इतनी सारी मौतें, नहीं जतिन, नहीं, मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकती, कभी नहीं दे सकती। और एक बात सुन लो, मेरी इजाजत के बगैर फैक्ट्री में मशीनें नहीं चलेंगी, समझे? आप अभी तक सोए नहीं? इस उम्र में नींद बीवी से प्रेमिका हो जाती है, दूर खड़ी चढ़ाती है, पास नहीं आती। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम भी नहीं सोई हो। मैं तो सो चुकी थी, मगर एक भयानक सपने ने मुझे जगा दी। सपना? चंद्रलेखा, लोग सपने से पकड़े जाते हैं। जो आदमी दिन भर बुरा सोचता है ना, रात भर उसे बुरे बुरे सपने आते हैं। अगर तुम अपना सपना मुझे बता दो ना, तो मैं तुम्हें बता सकता हूं कि आजकल तुम क्या सोचती हो। हे भगवान, जो मैंने सपने में देखा है वो मैंने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं। क्या देखा? रहने दीजिए, मैं बताऊंगी तो आप कहेंगे कि मैं यही सोचती हूँ। वैसे आप इतनी रात को बैठे क्या लिख रहे हैं?
वही जो तुमने सपने में देखा है और जो तुम सोचती रहती हो। क्या? नई वसीयत लिख रहा हूं। नई वसीयत? मगर वो पुरानी वसीयत में क्या खराबी थी? भाई पुरानी वसीयत में ये खराबी थी कि पुरानी वसीयत में जायदाद का बहुत कुछ हिस्सा मैंने अंकिता के नाम कर रखा था और नई वसीयत में मैंने अंकिता को उसके हर तरह के हक से उसे महरूम कर दिया है, अपने खानदान से उसे बेदखल कर दिया है। यही चाहती थी ना तू? मैं तुम्हें नाराज नहीं कर सकता। ये आजकल के बच्चे अपने आप को समझते क्या है? वो मनमानी और बेवकूफी करते रहेंगे तो हम क्या हम उन्हें करने देंगे? क्या क्या हुआ? सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तो हो रहा है। नहीं चाहिए मुझे मेरी मर्जी।